गुड मॉर्निंग क्लास. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड 3 शॉर्ट नोट इन SST. शॉर्ट नोट 1 वाज अबाउट अलूवियल सॉइल. जो शॉर्ट नोट 1 हमने किया था उसमें टॉपिक था अलूवियल सॉइल. सेकंड शॉर्ट नोट हमने पढ़ा था इंडियन रेलवेज. एंड थर्ड शॉर्ट नोट वाज अबाउट नेशनल एम्बलम. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ एंड लास्ट शॉर्ट नोट ऑफ योर हाफ ईयरली सिलेबस ऑफ SST. आपके SST का जो हाफ ईयरली सिलेबस है उसमें आपके 4 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं. फोर्थ शॉर्ट नोट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट नोट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन का मीनिंग आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तब भी आपको बताया गया था. कंजर्वेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को बचाना या उसकी रक्षा या सुरक्षा करना, ठीक है, उसे ख़त्म होने से बचाना, उसको कंजर्व करना. सो फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट इसी के बारे में है, ठीक है. फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जो रिसोर्सेज नेचुरली बनते हैं, ह्यूमन उनको नहीं बनाते हैं, इंसान उनको नहीं बनाते हैं. जो रिसोर्सेज नेचर का गिफ्ट है, नेचुरली बने हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, कुछ रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं, कुछ रिन्यू नहीं हो सकते हैं. तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, ठीक है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिस्ट्रॉयड अ फॉरेस्ट कवर बाय कटिंग द ट्रीज माइंडलेसली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमने क्या किया है, हमने हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है. कैसे? जो ट्रीज़ हैं उनको बेवकूफ़ों की तरह, मूर्खों की तरह ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय, बर्बाद करते जा रहे हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड मेक अप फॉर द लॉस बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड कंजर्विंग आवर फॉरेस्ट. और ये हमारी ड्यूटी है कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब पेड़ों की संख्या में कमी आ जाती है या पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगती है, उसकी वजह से पेड़ या जो ट्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करें, उसे रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगा करके, जो हमने ट्रीज़ कट करके हमने लॉस किया है ट्री का, उसको पूरा कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है, और अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें, अपने जंगलों को बचा सकें. अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट. और बहुत सारे स्टेप्स हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट इज आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री. हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसमें ट्रीज़ प्लांट करने के लिए लोगों को एंकरेज किया जाता है. जैसे कि आपकी बुक में भी है और शॉर्ट नोट में भी है, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव, ये दो ऐसे प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं जिसमें ट्रीज़ प्लांट करने के लिए लोगों को एंकरेज किया जाता है, ठीक है. और ये कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है, इन प्रोग्राम्स को? गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है. और ये जो वन महोत्सव है ये हर साल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया की, हमारी कंट्री के सभी पार्ट्स में ये वन महोत्सव प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें क्या होता है, बहुत सारी ट्रीज़ प्लांट की जाती हैं वन महोत्सव के दिन. नाउ सेकेंड पॉइंट इज पीपल आर मोटिवेटेड टू प्लांट मोर ट्रीज़ अलॉन्ग रोड्स कैनाल्स एंड रेलवे ट्रैक्स. और क्या, लोग बहुत मोटिवेट होते हैं ऐसे प्रोग्राम से ट्रीज़ प्लांट करने के लिए, रोड्स
और कैनाल्स, गुफाओं की साइड या फिर रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके पास ट्रीज प्लांट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अनदर प्रोग्राम अंडर विच एवरी चाइल्ड इज एनकरेज टू प्लांट अ ट्री एंड टेक केयर ऑफ इट। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड। और एक और प्रोग्राम है जिसमें हर बच्चे को एंकरेज किया जाता है कि वो ट्री को प्लांट करे और उस एक ट्री की केयर करे, ठीक है। और इस प्रोग्राम का क्या नाम है, इस प्रोग्राम को अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ट्री फॉर एवरी चाइल्ड मतलब हर एक बच्चा अपने लिए एक ट्री प्लांट करे और उसकी केयर करे, ठीक है। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा ब्रॉट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और चिपको मूवमेंट भी जो कि इनिशिएट मतलब शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसने बहुत सारे लोगों को में जागरूकता फैलाई थी ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्री की। और मेन चिपको मूवमेंट के नाम से ही आपको, अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था चिपको मूवमेंट के बारे में, जब ट्रीज़ को कट करने के लिए जो कंपनी को ऑर्डर मिला था, वो कंपनी जब वहाँ ट्रीज़ को कट करने के लिए आई तो वहाँ के जो लोकल लोग थे और उन्होंने क्या किया, वो ट्रीज़ को हग करके ट्रीज़ को चिपक करके खड़े हो गए थे ताकि लोग अगर ट्रीज़ को काटने आएंगे तो पहले उनको उन्हें काटना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल था नहीं। सो ऐसे सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने बहुत सारी ट्रीज़ को कट करने से बचा लिया था। तो उनका ये जो चिपको मूवमेंट है, उन्होंने इस मूवमेंट ने बहुत सारे लोगों को अवेयर किया कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आपका कंप्लीट होता है शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।